नमस्ते दोस्तों। तो देखिए आज मैं मलपुआ बनाने जा रही हूँ, बिहारी स्टाइल मलपुआ जिसे कहते हैं। आप लोग कितने चाशनी वाला भी मलपुआ बनाते हैं, पर हम ऐसे नॉर्मली मलपुआ बनाएंगे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्ट लगता है खाने में। तो देखिए हम ये टोपी छोटा सा भगोना लिए हैं, इससे हम नाप नाप लेंगे, आपको हम नाप पर दिखा देंगे हम कितना कितना ले रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक टोपी से एक भगोना से थोड़ा सा कम मैंने देखिए रवा लिया है, सूजी जिसको बोलते हैं, एम डाल देंगे। और इसी नाप से हम मैदा को ऐड करेंगे। देखिए मैंने उसी नाप से मैंने मैदा ले लिया है, मैदा को भी डाल देंगे। अब इसी नाप से हम चीनी ऐड करेंगे। देखिए मैंने उसी नाप से मैंने चीनी ले लिया है, चीनी भी डाल देंगे। अभी एक नाप से ही अब सब ऐड करेंगे तो आपका देखिए मलपुआ एकदम परफेक्ट बन के आएगा। थोड़ा सा देखिए मैंने सॉफ्ट ले लिया है, इसे हाथ से थोड़ा सा क्रश करके देंगे। अभी हम दूध डाल देंगे, दूध हम अपने हिसाब से डालेंगे। देखिए मैंने एक भगोना डाला है, अभी यार इसमें हम दूध डालेंगे। देखिए मैंने दो भगोना दूध डाला है इसमें। अब इसे हम अच्छा सबको मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों मैंने अच्छे से सब मिक्स कर लिया है। देखिए अब इसे हम एक घंटा के लिए ढक्कन लगा कर छोड़ देंगे, ढक्कन लगा के एक घंटा के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों मेरा एक घंटा हो चुका है, मैंने पूरी रखा था। उसमें देखिए मैं कद्दूकस किया नारियल डाल लूँगी। मैंने जितना चीनी लिया था उतना मैदा लिया था, जितना सूजी लिया था उतना ही मैंने नारियल लिया है। आप चाहे तो नारियल का क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। इसमें हम एक चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। तो इस सबको अच्छे से मिला लेंगे, नारियल और इलायची पाउडर को। तो देखिए दोस्तों मैंने अच्छे से मिला लिया है नारियल इलायची को सबको। देखिए हमारा ऐसे ही रहेगा, इतने ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। देखिए अब हम गरम बस। देखिए मैंने कढ़ाई में रिफाइन ऑयल डाल दिया है, अच्छे से हम तेल को हीट करेंगे, गरम करेंगे। तो चेक करते हैं हमारा तेल गरम हुआ कि नहीं, इसे बैटर देख के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा तेल कितना अच्छा से गर्म हो चुका है, हमारा बैटर भी कितना अच्छा से बना है। देखिए अपने आप ऊपर आ गया है तलकर, देख लीजिए परफेक्ट बना है हमारा बैटर। तो देखिए हम एक एक करके इसमें छोड़ देंगे तेल में। अब लो फ्लेम पर इसको होने देंगे ना, हम इसमें हाथ और कुछ नहीं लगाएंगे छोलनी वोलनी, ये अपने आप देखिए ऊपर आ जाएगा तलकर। तो देखिए दोस्तों अपने आप ऊपर आ गया है, अब इसे हम धीरे धीरे पलट देंगे। हमने आज को लो ही फ्लेम पर रखा है, नहीं तो फिर अंदर से कच्ची रहेगी, ऊपर से पक जाएगी। ये दोस्तों मैंने लो फ्लेम पर इसे अच्छे से दोनों तरफ देखिए मैंने अच्छे से बना पका लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, ज़्यादा लाल करने से क्या है ये ज़्यादा कड़ा हो जाती है, इसलिए मेरे ये कलर में हम निकाल लेंगे अल्ट्रा गोल्डन कलर। हम इसे प्लेट में एक एक तक करके निकाल लेंगे तलकर। जो देखिए दोस्तों मैंने मालपुआ इतना सारा तल लिया है, अब इसे हम प्लेट में सजा देंगे। तो देखिए दोस्तों मेरा कितना अच्छा मालपुआ बन के आया है, मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए आप भी इसे घर में बनाइए, खाइए कितना अच्छा बनती है।